हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में किसी भी यूज्ड कार को खरीदने से पहले कागजी कार्यवाही किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या आप सभी लोगों को दोस्तों चेक करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, राइट। दोस्तों किन किन पेपर्स को आप सभी लोगों को चेक करना चाहिए, उन सभी पेपर्स को मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों आज के समय में अपने आप को किसी भी धोखाधड़ी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों सीधा बात करते हैं, जानते हैं जेन्युइन केस में, राइट, आपको क्या क्या पेपर्स चेक करने चाहिए इजी ट्रांसफर के लिए, इजी आरसी ट्रांसफर के लिए और इजी एनओसी के लिए, राइट, एनओसी पाने के लिए। अगर दोस्तों आप किसी ऑथराइज्ड डीलरशिप से अगर आप कार खरीद रहे हैं तो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑथराइज्ड डीलर की रहती है, जहां पर आपको एक फेथ मिलता है, एक विश्वास मिलता है। एंड इसके अलावा अगर दोस्तों आप काफी लक्की अपने आप को माने, अगर आपको एक जेन्युइन सेलर या एक जेन्युइन बायर मिलता है, तो उस केस में आप सभी लोगों को जो भी रजिस्टर्ड ओनर है, राइट, आपको ओरिजिनल आरसी आपको चेक करनी है गाड़ी की, राइट। मैं बताता हूँ भाई आरसी को लेकर के लोग किस तरीके से आपको चीट कर सकते हैं। तो पहला जो आप टिक कर लें, ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, राइट, रजिस्टर्ड ओनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल लेटर्स पर साइन, सेल लेटर्स किट में आपको साइड में दिखा दूंगा किस तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं, सेल लेटर्स पर 28, 29, 30 फॉर्म पर, एंड डिलीवरी रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट, और एक आप नोटरी भी करवा सकते हैं, एक एफिडेविट भी करवा सकते हैं कि आज जिस दिन आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उससे पहले की जिम्मेदारी जिस किसी भी पर्सन से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर्सन की होने वाली है, राइट। एंड दोस्तों चालान वगैरह भी आप देखें जरूर कि क्लियर है या नहीं, या फिर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है, राइट। ये तो हो गई जेन्युइन केस की बात, और जिसमें जेन्युइन केस में आपको हमेशा वो कॉपरेट करने वाला है, बिकॉज वो खुद भी चाहेगा कि आरसी ट्रांसफर हो इजीली, राइट। ये तो हो गया पहला केस। अब बात करते हैं सारे के सारे तरीके, जिन तरीकों से लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार है, चीट करने के लिए। तो पहली बात, ओरिजिनल आरसी और चलान के बारे में दोस्तों किस तरीके की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मैं आप सभी लोगों को इस पॉइंट में बताने वाला हूं। दोस्तों कई बार लोग आपको ओरिजिनल आरसी नहीं दिखाएंगे, आपको कोई फोटो कॉपी दिखा देंगे, राइट। अगर आप एक किसी इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं, जैसा मैंने कहा दोस्तों, अगर आप एक ऑथराइज डीलरशिप से कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जिस तरीके से आजकल स्कैम चल रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोगों को प्रॉपरली चेक करना चाहिए। आरसी को दोस्तों लोग एज ए जमानत पुलिस स्टेशन में यूज करते हैं, जिसको हम सुपरदारी कहते हैं, राइट। उस केस में भी कई बार आरसी लोग जमा कर देते हैं, एंड जिसको फ्रॉड करना है वो आगे बताते हैं कि जी आरसी मिसप्लेस हो गई है, तो उस केस में आपकी आरसी जो है पुलिस स्टेशन में बंद है, उसका जो क्या कहते हैं, मैं आपको निशानी भी बताऊं, तो सी ये है नई आरसी जो आजकल आती है, ये पुरानी आरसी कि कॉर्नर पर पंच किया रहेगा, उसमें छेद होगा अगर वो उस पर सुपरदारी होगी तो, राइट। तो आरसी के बारे में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। एंड आधार कार्ड, इसमें क्या है, आधार कार्ड से रजिस्टर्ड ओनर का ओटीपी फ़ोन नंबर लिंक ज़रूर होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग, गाड़ी खरीद लेते हैं बट उसको नाम नहीं कराते, एंड अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो उसका रजिस्टर्ड ओनर था वो या तो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, या फिर किसी और स्टेट में रहने लगता है, एंड उससे कॉन्टैक्ट छूट जाता है, उसका नंबर भी बंद हो जाता है, राइट। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए, या फिर आप रजिस्टर्ड ओनर से ही गाड़ी खरीदें, राइट। दूसरा आ जाता है दोस्तों चलान का, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपको शायद ज़्यादातर नहीं पता होगा कि चलान किस तरीके से चेक किया जाता है। दोस्तों एक तरीके का चलान होता है ऑनलाइन चलान और एक ऑफलाइन चलान, राइट, जो कैमरे वाले चलान होते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों ऑफलाइन चलान, जो भी पाँच नंबर वाले चेक करते हैं, आपके चलान करते हैं लिखित में, वो चलान।
चलान आप मान के चले 1-1.5 लाख की अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये की उस पर चलान है, तो उस गाड़ी को लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड कई बार आप सभी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि किस तरीके से चलान चेक करें। तो दोस्तों उसकी मैं आप लोगों को वेबसाइट बता देता हूँ। कैमरे वाले चलान चेक करने के लिए आप दिल्ली ट्रैफिक चलान की वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं। उस पर जा करके आप अपने व्हीकल की डिटेल्स डालेंगे तो आपको ऑनलाइन चलान, कैमरे वाले चलान दिख जाएंगे बकायदा विद फोटो, राइट। ऑफलाइन चलान के लिए आप दोस्तों echalan.gov.in मतलब एम परिवहन की वेबसाइट पर आप जा करके ऑफलाइन चलान को चेक कर सकते हैं। इन दो तरीक़ों से दोस्तों आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा मानना है दोस्तों, गाड़ी आप जो भी लें आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट दोस्तों, 1-2 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट ये होने वाला है। बिकॉज नॉर्मली 2-3 लाख से ज़्यादा की अगर कोई सेकेंड हैंड कार भी होती है या फिर कोई नई भी गाड़ी लेता है तो उस पर ज़्यादातर लोग फाइनेंस करवाते हैं, राइट, जिसकी वजह से कई बार उनका लोन अमाउंट जो ख़त्म नहीं होता है, राइट, उनका लोन क्लियर नहीं होता है, पेंडिंग अमाउंट रहता है, राइट, जिसकी वजह से एंड वो 2-3 साल बाद ही गाड़ी बेचने की कोशिश करते हैं, राइट। उस केस में होता क्या है दोस्तों, लोन अमाउंट पेंडिंग रहता है एंड उसमें किस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं अगर आप किसी भी इंडिविजुअल से खरीद रहे हैं जिस पर आपको विश्वास नहीं है या फिर नॉर्मल पर्सन से खरीद रहे हैं तो, राइट। तो दोस्तों कई ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि जिसमें पार्टी कहती है कि मैं लोन क्लियर करा करके दूंगी, 2-3-4-5-10 लाख का लोन होता है एंड कई बार अगर आप वो अननोन पर्सन है तो आपसे पेमेंट लेने के बाद में भी उस लोन अमाउंट को क्लियर नहीं कराता है एंड बाद में आप उसको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं भी आप वो अपना फ़ोन बंद, बिकॉज उसको जो करना था वो करके निकल जाता है, राइट, उसको वो सेल आउट करना था एंड 9-10 लाख रुपए का आपको चूना लगा देता है। इस केस में दोस्तों आप क्या करें, जितना लोन अमाउंट है उतना आप खुद से जा करके बैंक में जा करके उसको क्लियर कराएं, लोन क्लोजर की स्लिप लें, कुछ दिन बाद बैंक की NOC आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना पड़ेगा। इजी ट्रांसफ़र के साथ में इजीली आप NOC भी आप पा सकते हैं। एंड दोस्तों ऑन दी अदर हैंड कुछ फ्रॉडस्टर ऐसे भी हैं, राइट, जो आपको डुप्लीकेट बैंक की NOC दिखाएंगे बकायदा, और जो भी डीलर्स वगैरह हैं वो भी देखेंगे, वो भी इसमें चकमा खा जाएंगे कि जी हाँ ये बैंक की NOC भी दिखा रहे हैं फलाना बैंक की, राइट, किसी भी, तो आपको बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। बट अगेन अब वो जो NOC होगी बैंक की NOC 35 नंबर जो फॉर्म होगा वो बिल्कुल नकली होगा, राइट। तो हमेशा आप बैंक से वेरीफाई करें, राइट, लोन डिपार्टमेंट में बात करके कस्टमर केयर पे आप इजीली उनसे बात कर सकते हैं ब्रांच में जा करके, राइट। दोस्तों नकली NOC भी लोग इजीली बना लेते हैं जिसकी वजह से आपको 50-60 हज़ार का नहीं लाखों का नुकसान हो सकता है जिसकी फिराक में आजकल लोग बैठे रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी पुरानी सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पहले तो आप अपने आप को बचाएंगे किसी भी धोखाधड़ी से, राइट। इसके अलावा दोस्तों मैंने बता रखा है आप सभी लोगों को, इवन मैंने वीडियो भी डाल रखा है कि गाड़ी किस तरीके से आपको चेक करनी चाहिए कि आप दोस्तों गाड़ी कोई भी लें, आपको पता होना चाहिए जो कोई भी आपको सेल कर रहा है कि आपको ये चीज़ मिलने वाली है। दोस्तों गाड़ी को कैसे चेक करें, रीपेंट कितनी है, कौन सा पीस चेंज है, एक्सीडेंटल, चेसी नंबर, गलावट, ये सारी की सारी चीज़ें, इंजन, गियर, सोकर, सस्पेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट।